पड़ोस के गांव का विख्यात सुनार हीरामल अपने परिवार के साथ मेले का आनंद उठाने खुशालपुर आया था। हीरामल की नज़र पारखी थी और हीरे सोने चांदी के बारे में उसका ज्ञान अव्वल था। एक ही नज़र में वो किसी भी धातु, पत्थर या हीरे का मूल्य पहचान जाता, लेकिन अपनी इस कुशलता पे उसे बड़ा घमंड था। अचानक हीरामल की बीवी का ध्यान सर्कस के तंबू की ओर जाता है। ए जी, चलिए ना, हमारे बब्बू को सर्कस दिखाते है। भाग्यवान, आप और बब्बू देखिए, मैं जरा बाजार घूम लेता हूँ। जी ठीक है जी। सर्कस का नाम सुनते ही बब्बू खुशी से नाचने लगता है। ये सर्कस सर्कस, चलिए ना माँ जल्दी, सर्कस खत्म हो जाएगी। धत पगले, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। हीरामल टिकट निकाल के बीवी और बेटे को सर्कस के तंबू में बिठाता है और खुद मेले में सैर सपाटा करने निकलता है। घूमते घूमते हीरामल एक कांच के चीजों के ठेले पे आता है, जहाँ काफी सारी कांच की वस्तुएं रखी हैं, जेवर, खिलौने, शीशे, आकर्षक बर्तन इत्यादि। हीरामल की नज़र एक चमचमाते कांच के टुकड़े पर जाती है, जिसका आकार और चमक कुछ अलग ही है। ओह, ये तो बड़ी अनोखी चीज लग रही है। क्या दिखाओ सेठ, खिलौने, बर्तन, माला? वो कांच का टुकड़ा दिखाना। हीरामल उस चमचमाते कांच के टुकड़े को बारीकी से देखता है और समझ जाता है कि वो एक मूल्यवान हीरा है, बस थोड़े तराशने की जरूरत है। अरे भाई, ये कैसी सामान्य चीजें रखी है बेचने, कुछ अनोखी वस्तुएं रखते। जी सेठ जी, अगली बार जरूर कोशिश करूंगा। अभी आपको कुछ पसंद आया है? वैसे तो कुछ खास नहीं दिख रहा, ये कांच का टुकड़ा ठीक ठाक लग रहा है। दीवान खाने में मेज पे रखूं तो थोड़ी शोभा बढ़ा देगा, बाकी तो कुछ काम का नहीं है। क्या कीमत है इसकी? जी ज्यादा नहीं, बस 20 रुपए। दुकानदार की बात सुन के हीरामल चौंक जाता है। बड़ा मूर्ख है ये आदमी, हीरे को मिट्टी के दाम में बेच रहा है, मैं इसे और कम दाम में पटा के पैसे बचाता हूँ। अरे क्या भाई, इस कांच के टुकड़े की 20 रुपए मांग रहे हो? मैं इसके ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए दूंगा बस। क्या, सिर्फ 15 रुपए? नहीं नहीं सेठ जी, लेना है तो 20 में ही लीजिए, वरना जाने दीजिए। कोई मूर्ख ही इसे 20 रुपए मिलेगा। चलो जाने दो, मैं चलता हूँ, ये जरूर मुझे वापस बुलाएगा, मैं निकलने का नाटक करता हूँ। ऐसा सोच के हीरामल वहाँ से निकलने लगता है। कुछ दूर आने के बाद वो फिर से मुड़ के देखता है, लेकिन दुकानदार अपने काम में व्यस्त दिखाई देता है। हीरामल सोच में पड़ता है। थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ चक्कर लगाता हूँ, ये मूर्ख जरूर 15 रुपए में वो हीरा बेचेगा। हीरामल मेले में अन्य ठेलों पर घूमता है और कुछ न कुछ खरीदी करता है। कुछ देर बाद हीरामल अपनी बीवी और बेटे को लेने सर्कस के तंबू के यहाँ आता है। अजी अब घर चलते हैं, काफी समय हुआ है। पहले ये तो बताइए, सर्कस कैसी थी? बहुत बढ़िया पिताजी, बहुत मजा आया, मुझे फिर देखनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर आएंगे हम। चलो अब घर चलते हैं। आप लोग टांगे में बैठो, मैं अभी आता हूँ। हीरामल अपनी बीवी और बेटे को टांगे में बिठाता है और फिर से उस कांच के ठेले पे आता है। बोलिए सेठ, अब क्या दिखाऊँ? कुछ खास तो है नहीं तुम्हारी दुकान में, उस कांच के टुकड़े का सही दाम बोल दो, मैं खरीद लेता हूँ। जी वो टुकड़ा, वो तो मैंने बेच दिया अभी थोड़ी देर पहले। दुकानदार की बात सुन के हीरामल चौंक जाता है। क्या, तुमने वो टुकड़ा बेच दिया? कितने में? जी पूरे 25 रुपयों में, मेरा तो दिन बन गया। दुकानदार ने बताई कीमत सुन के हीरामल गुस्से से तिलमिलाता है। सिर्फ 25 रुपए? अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं वो कांच का टुकड़ा खास था, कोई सामान्य कांच का टुकड़ा नहीं था वो, तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इतनी बड़ी बेवकूफी करके अब हंस रहे हो? सेठ जी बुरा मत मानिए, लेकिन सबसे बड़े मूर्ख तो आप है, मैं नहीं। दुकानदार की बात सुन के हीरामल फिर से आग बबूला होता है। ए मूर्ख, तुम्हें शायद पता नहीं है मैं कौन हूँ, हीरामल व्यापारी हूँ मैं, हीरामल। सोने चांदी की 5 दुकानें हैं मेरी पड़ोस के गांव में, सोने चांदी और हीरे की परख करने में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, एक ही नजर में भांप लेता हूँ वस्तु का मोल। खुद मूर्खता की है और मुझे मूर्ख कह रहा है, तुम्हें पता भी है उस कांच के टुकड़े की असली कीमत क्या थी? हीरामल को इतना गुस्सा हुआ देख दुकानदार अचरज में पड़ता है। क्या थी? अरे 1 लाख का टुकड़ा था वो, 1 लाख का, और तूने मिट्टी के भाव में बेच दिया, तेरे जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। हीरामल की बात सुन के दुकानदार थोड़ा सा सोच में पड़ता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, सेठ जी माना कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख तो आप ही है, महामूर्ख। दुकानदार की बात सुन के हीरामल फिर से आग बबूला होता है। क्या कहा?
तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे महामूर्ख कहते हो? और नहीं तो क्या, मैंने तो वो टुकड़ा 25 रुपए में बेचा और कुछ तो मुनाफा कमाया, लेकिन आपने सिर्फ 5 रुपए के मुनाफे के लिए 1 लाख का हीरा हाथ से गवा दिया, वो भी उसका असली मूल्य जानते हुए। तो अब आप ही बताइए, महामूर्ख मैं हूँ या आप? दुकानदार की बात सुन के हीरामल को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और वो निराश होकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ये सही कह रहा है, मैं ही महामूर्ख हूँ। 5 रुपए बचाने की लालच में मैंने लाखों की चीज गवा दी। आज इस दुकानदार ने मेरा घमंड तोड़ दिया। तो देखा दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड हमेशा बुरा होता है। कभी भी अपने ज्ञान और कुशलता पे गर्व नहीं करना चाहिए और किसी को कम आंकना भी गलत है, जिसकी सजा हमें मिलती ही है, जैसे इस कहानी में हीरामल व्यापारी को मिली। तो चलिए फिर, जल्द ही आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सारंगपुर में रहने वाला कुमार अब कॉलेज जाने लगा था। कुमार पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत की वजह से उसके माता पिता चिंतित रहते थे, और वो आदत थी किसी को भी बेवजह परेशान करना और उसका आनंद उठाना। बेटा कुमार, ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो उस गरीब कीड़े को। नहीं बाबूजी, देखिए ना कितना मजा आ रहा है। कुमार अब तुम बड़े हो गए हो, किसी को बेवजह परेशान करना बुरा है बेटा। हाँ माँ, लेकिन अभी मैं छोटा हूँ, और बड़ा हो जाऊंगा तो आदत छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। ये कुमार का हमेशा का जवाब था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। कॉलेज का समय हो रहा है, निकलो अब। हाँ निकलता हूँ। चलो चलो, देर हो रही है। हाँ, वरना क्लास के बाहर मुर्गा बना के खड़ा करेंगे टीचर। हाँ, और पिंकी ने तुम्हें वैसे देख लिया तो। शट अप, साइकिल चला। तभी कुमार की नजर सड़क के किनारे खड़े एक मोटरसाइकिल पे जाती है। आसपास कोई दिख नहीं रहा। कुमार को फिर से मस्ती करने की सोचती है। सुनो, जरा मस्ती करते हैं। अब क्या करना है तुम्हें यार, लेट हो रहा है हमें। वो देखो कितनी भारी बाइक है ना, इतना अच्छा मौका हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। क्या करोगे तुम, पकड़े गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डरपोक, यहाँ कोई नहीं है, इस बाइक का मालिक शायद झाड़ी में नेचर्स कॉल के लिए गया है। कुमार चुपके से जाके बाइक के पिछले टायर की हवा निकाल देता है और तीनों दोस्त थोड़ी दूरी पे झाड़ियों में जाके छुप जाते हैं। यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर वो आदमी किसी अर्जेंट काम से बाहर जा रहा होगा तो। चिल डूड, अर्जेंट होता तो रास्ते में रुकता नहीं। कुछ समय बाद एक नौजवान झाड़ी से बाहर निकलता है और बाइक के यहाँ पहुँचता है, और बाइक का पिछला टायर पंचर देख परेशान हो जाता है। अरे यार ये क्या हुआ, ओह शिट, अब मैं प्रिया से मिलने वक्त पर कैसे पहुंचूं? अब तो मेरी शादी होने से रही। यहाँ झाड़ियों में तीनों दोस्त हंस रहे हैं। देखा, कोई अर्जेंट काम नहीं था उस बाइक वाले को, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। कई बार समझाने के बाद भी कुमार के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। एक दिन कुमार के नाना जी उनके घर कुछ दिन रहने आते हैं। कैसे चल रहा है सब कुछ रेवती बेटा? जी बढ़िया है पिताजी। और हमारा लाडला नाती कुमार कैसा है? उसी की थोड़ी चिंता है पिताजी। रेवती अपने पिताजी को कुमार के बर्ताव के बारे में बताती है। तुम टेंशन मत लो, वक्त के साथ साथ आ जाएगा उसमें बदलाव। एक दिन कुमार और नाना जी गाँव में घूमने निकलते हैं। तो कुमार, कॉलेज लाइफ कैसे लग रही है, यूनिफॉर्म नहीं, टीचर की डांट नहीं? हाँ नाना जी, बहुत मजा आ रहा है, हर रोज नए कपड़े, लेकिन यहाँ भी लेट होने पर मुर्गा बनाते हैं। ओ सच में, शायद टीचर्स को लगता होगा तुम अभी भी बड़े नहीं हुए हो। सब बड़े अपने अपनी सुविधा के अनुसार कभी हमें बड़े बनाते हैं या कभी छोटे। चलते चलते दोनों एक मंदिर के पास पहुँचते हैं। मंदिर बिल्कुल खाली है, बाहर सीढ़ियों के पास जूतों की एक जोड़ी है, शायद कोई एक आदमी अंदर गया है। कुमार को मस्ती करने की इच्छा होती है। नाना जी, अगर हम ये जूते कहीं छुपा दे तो कितना मजा आएगा ना। लेकिन क्यों बेटा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? आनंद नाना जी, आनंद। जब वो आदमी उसके जूते के लिए परेशान हो जाएगा, रोएगा, तब सोचिए हमें कितना मजा आएगा। नाना जी समझ जाते हैं कि यही सही मौका है कुमार को अच्छी सीख देने का। कुमार, आज कुछ अलग करते हैं और देखते हैं क्या होता है। नाना जी कुमार को 10 रुपए के 6 सिक्के देते हैं और उस आदमी के हर जूते में 3-3 सिक्के रखने के लिए कहते हैं। नाना जी, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। देखते हैं, हो सकता है फायदा भी हो।
नाना जी और कुमार थोड़ी ही दूर सीढ़ियों पे बैठ के उस आदमी का इंतजार करते हैं। थोड़ी ही देर में वो आदमी बाहर आता है। उसकी हालत काफी खराब दिख रही है। ये आदमी बहुत गरीब और भूखा प्यासा लग रहा है ना नाना जी। शायद मुसीबत में है। गरीब आदमी बाहर आके अपने जूते पहनने लगता है, तभी उसे जूतों के अंदर रखे हुए सिक्कों का एहसास होता है। वो सिक्के निकालता है। अरे ये क्या, 10 रुपए के 3 सिक्के, ये कहाँ से आए, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। फिर वो दूसरे जूते में पैर डालता है और फिर उसे 10 रुपए के और 3 सिक्के मिलते हैं। आदमी खुशी से रोने लगता है, भगवान को धन्यवाद देता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने किसी भले आदमी को मेरी मदद करने की बुद्धि दे दी। अब मैं अपनी बीमार बेटी के लिए दवा खरीद सकता हूँ, उसे खाना खिला सकता हूँ। आदमी खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। नाना जी कुमार की ओर देखते हैं। कुमार की आंखें भर आई है। क्यों कुमार, अब बताओ, तुम अगर उस गरीब आदमी के जूते छुपाते तो तुम्हें ज्यादा खुशी मिलती कि अब उस गरीब आदमी की मदद करके तुम्हें ज्यादा आनंद मिला है? मैं समझ गया नाना जी आप क्या कहना चाहते हैं। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बेटा, हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करो। तुम्हारा मजा किसी को महंगा भी पड़ सकता है, लेकिन तुम्हारी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है।